कटान के लिए जा रहे 5 गौवंशों को गोसाईगंज पुलिस ने किया झाड़ियों से बरामद। सूचना पर सीओ जयसिंहपुर दलवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। कटान के लिए ले जाए जा रहे 5 गौवंशों को पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर पकड़ने में सफलता पाई है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकौली गांव स्थित जंगल में गौवंश बांधे गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गौवंशों को कब्जे में ले लिया है। वहीं तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि पकड़े गए गौवंशों में 3 गाय और 2 बछड़े शामिल हैं। गौवंशों को बरामद करने वाली टीम में सैयद नसीरुद्दीन, अनिल अवस्थी, कांस्टेबल अमरजीत यादव, योगेंद्र सिंह शामिल रहे। पुलिस गौवंशों को सिरवारा स्थित गौ आश्रय स्थल भेजने के प्रयास में जुटी है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही गौ तस्करी को लेकर हाल ही में गौशाला ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र सिंह एसपी से मिले थे। धर्मेंद्र सिंह ने एसपी को पत्र देकर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। झाड़ियों में गौवंश छुपाए जाने की सूचना पर जयसिंह क्षेत्राधिकारी दलवीर सिंह व थाना अध्यक्ष गोसाईगंज हरिराम यादव ने मौके पर पहुंचकर गौवंश बरामद करने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया व जरूरी दिशा निर्देश दिए।